अभी भैया बताइए कौन सा मंदिर है ये माँ शक्ति पीठ। आप ललिता देवी मंदिर में खड़े हैं, नैम सारणी के पराशक्ति पीठ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मम्मी है। आप इस भूमि पे खड़े हैं, नैम सारणी अष्टम वैकुंठ है, धरती का बीचों बीच भाग। इधर से आप चाहे जिधर को आप आक्रमण बोलिए या भक्ति करिए जी। यहाँ पर बीच का कैसे पता लगा ये भी हम बताएंगे। हम अपने अंदर कैद कर रखे हुए हैं। हाँ, आप यहाँ कोई साधारण दरबार में नहीं खड़े हैं, ये भयंकर दरबार है। देखो यहाँ शिव भी नीचे है और आप हर 12 ज्योतिर्लिंगों में नंदी पाते हैं। केवल हमारे शक्तिपीठ में ही नंदी नहीं है। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है जनाब, जब हमारे यहाँ शतयुग का तीर्थ नैम सारण्य बोला गया। शतयुगे तीर्थ नैम सारण्य द्वापरे कुरुक्षेत्र त्रेतायाम च पुष्करे कलयुगे गंगा प्रवाहते। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है और महत्व क्या है? इस श्लोक का हमने बोल तो दिया है, अब हमारे श्रोता भी सुने और समझे उसे। जी जी जी, हाँ बताइए विस्तार से आप। ये जो हमने श्लोक बोला, शतयुग का तीर्थ नैम सारण्य, शतयुग में इस तीर्थ को महत्वता दी गई, क्योंकि सृष्टि के प्रथम माता पिता कहे गए जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए मनु और शत्रुपा। शतयुग में राज्य भोग करके आए, जब जाना कि हमारी मृत्यु आ गई है, तब नैम सारण्य आए और आकर के 23,000 वर्ष तक तप किया। आने पर उनको ऋषियों का स्वागत हुआ, जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी मोदी जी हैं, योगी जी हैं, आ जाएं इधर में तो उनका स्वागत होगा। हम ऋषि मुनि और ब्राह्मण गण उनका स्वागत में लग जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ही पंक्ति निकली है, तीर्थ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता, और बसे जहां मुनि सिद्ध समाजा तहने हर्ष चले मनुराजा। पॉइंट नोट करिए, बसे जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, या जहाँ अच्छे लोग सिद्ध सिद्धि प्रदान करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ को उन्होंने अवध्या से कुछ बोला। चाहते तो अवध्या भी तीर्थ था, वहाँ भी तप कर सकते थे, मथुरा काशी कहीं भी जा सकते थे, पर नैम सारण्य को आए और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को मान करके आए। ये वशिष्ठ जी का घर है नैम सारण्य। 100 यज्ञों को करके वशिष्ठ जी अवध्या के कुलगुरु बने और उपाधि पाई। विश्वामित्र जी कोई जन्म के संत नहीं है, रामायण में पंक्ति में उनका परिचय है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और धर्म धुरंधर नृपदिश जानी। विश्वामित्र राजा है और यज्ञ करके विश्वामित्र की उपाधि पाई, इसीलिए वो स्वर्ग अर्ग को अपने पद से हासिल कर चुके हैं। जब चाहे तब स्वर्ग छीन ले, पर इंद्र को चिन्हित कर दिया। अब काम धेनु गाय का आपने नाम सुना होगा, समुद्र मंथन में कायदे से। बिल्कुल बिल्कुल, समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसी से परशुराम जी के भाई हैं शौनक ऋषि जी। भगवान परशुराम के भाई हैं शौनक महर्षि जी, जो 88,000 ऋषियों के अध्यक्ष कहिए या मुख्यमंत्री कहिए या प्रधानमंत्री कहिए, जो भी कहिए, उनके वो सहायक हैं। परशुराम ने आज्ञा दी कि नैम सारण्य जाओ, जो ये ललिता हैं, इन्हीं बाल रूप में माँ शक्ति ने पहले तप किया। जहाँ माँ के पास जाओ, तो माँ के पास आए और कहा कि मुझे पवित्र भूमि दो। माँ ने कहा ब्रह्मा का स्मरण करो। ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा से बोले, हे परमपिता, ऐसी भूमि दो जहाँ पर मैं तप करूं, जिसका प्रभाव 4 गुना हो और हमारा महत्व हो, हमारी संतानी हो और हम जाने जाएं। ब्रह्मा ने कहा, ऐसी भूमि नहीं है हमारे पास, आप जा सकते हैं। तो ऋषियों ने कहा, हे परमपिता, अगर आप भूमि नहीं देंगे तो यहीं पर प्राण हत्या करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर के ब्रह्मा जी भयभीत हुए। उन्होंने आदि शक्ति के वचन को याद किया कि जब मैं संकट में पड़ूंगा तो हमारी सहायता शिव या विष्णु करेंगे। शिव को पुकारा, शिव आए, विष्णु को पुकारा, विष्णु आए। इन तीनों के समक्ष परम पिता ब्रह्मा ने चक्र छोड़ दिया। चक्र 3 लोक 14 भवन घूमते हुए आया और नैम सारण्य आरण्य जंगल वशिष्ठ जी के पुत्र शिंगी ऋषि 108 कुंड। ये नहीं कि यहाँ यज्ञ नहीं हुआ करती थी, ये यज्ञों से जानी गई है भूमि। स्वर्ग के वो देवता देवराज इंद्र के
गण और देवराज इंद्र स्वयं तरसे हैं इस भूमि पर आने के लिए, और किसने तरसाया महाराज परीक्षित ने और महाराज सुखदेव जी ने तरसाया कि बता दिया कि ये स्वर्ग से। हम लोग भागवत में द्वापर काल में व्यास जी ने लिखा कि नैमिषे अनमिष क्षेत्र दृशिया सोन का दिया सप्तम स्वर्ग आये लोक आये नैमिषे सम सहस्त्र वर्ष थे। उत्तम उत्तम। इस श्लोक का अर्थ क्या है? नैमिषे नोट करिए, पत्रकार महोदय नोट करिए। देखिए आपका तो आपकी ड्यूटी है क्वेश्चन करना, बिल्कुल आप हम तुम्हारी ड्यूटी भी कर रहे हैं हम तुम्हारी भी ड्यूटी कर रहे हैं नैमिषे अनमिष क्षेत्र दिशिया सोन का दिया सप्तम स्वर्ग आये लोक आये नैमिषे सम सहस्त्र वर्ष थे। शस्त्र बोलते हैं हजार, ठीक है, वर्षों वर्षों में आए हो। हम फिर से रिपीट करिए, अठानवे व्याख्या कार्य पढ़े लिखे हैं आप, ऐसे नहीं मिलती है डिग्री। नैमिषे अनमिष क्षेत्र ऋषि हसौन का दया सप्तम स्वर्ग आये लोक आये नैमिषे सम सहस्त्र वर्ष। इसी नैमिषारण्य में जो व्यास जी द्वापर में पैदा हुए वो भगवान विष्णु के अवतार व्यास आए, विष्णु रूप आए, व्यास रूप आए विष्णु ही नमो ब्रह्म निदय वासिष्ठाय नमो नमः प्रणाम। बहुत उत्तम पंडित जी। व्यास जी सत्रवां अवतार लिया आकर के पुराने लिखा, और वो गणेश जी शिव पुत्र थे, उन्हें मत था कि मुझसे बड़ा कोई लेखक नहीं है, उनसे बड़ा कोई लेखक नहीं था। व्यास जी गए, कहा प्रभु मैं लेखन करना चाहता हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा चलिए मैं आपके धर्म में हाथ बढ़ाऊंगा। बद्रिका आश्रम में लेखन किया और वहाँ सरस्वती जी को श्राप दिया, लुप्त हो गई और अपना नैमिषारण्य आ गए और यहाँ पूर्ण किया और ऋषियों को कथा दिया और सूत जी को 18 पुराण और अपने बेटे को भागवत अंगिरा वैशंपायन पेन जर्मनी को एक एक वेद का ज्ञान दिया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत उत्तम। पूछेंगे तो पंडित जी क्या बोलते हैं और जो बचा इससे कुछ मुख्य पांच मुख्य हैं। ठीक है, चक्र तीर्थम भूतनातम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेशम मंदिर शक्ति विनायकम। ललिता देवी मंदिर में आप खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चक्र तीर्थ जो हमने कथा सुनाई है आपको, वो गिरा वहीं पे भूतनाथ जी हैं। जी जी। आगे व्यास गद्दी है, व्यास गद्दी से आ जाएंगे देव देवेश्वर है जी जी। और सूत गद्दी है, सूत जी का इसलिए महत्व है द्वापर से क्योंकि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई और सनातनी सेवा में व्यास जी की भांति उसने अपना जीवन को बलिदान किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने नैमिषारण्य के बारे में संपूर्ण हमें ज्ञान दिया और हमारे जो व्यूअर है नहीं ज्ञान है जो हमने सुना वही पढ़ा जो आपको बता दिया गुरु से पाया। हम आपसे बड़े आभारी आपके कि आपने जो है हमें बड़ी अच्छी सूचना दी, जानकारी दी। ये हमारा हमारा कोटि कोटि आभार आपके चरणों में। जय श्री राम, लक्ष्य तक पहुंचाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्री, जय श्री, धन्यवाद। देखो ये राम की भी जन्मभूमि है, कहते पंडित जी क्यों है अयोध्या में पैदा हुए और यहाँ पे क्यों है, क्यों है बताइए। इसलिए है जब 23,000 तक मनु जी ने तप किया हमारे नैमिषारण्य में तो भगवान ने कहा वर एक बार नहीं आए, मांग मांग भाट लुभाए परम धीर नहीं चले चलाए जी। ये ललिता अम्बा का शक्तिपीठ है और यहाँ पर 10 महाविद्याओं के साथ माँ विराजमान है। 10 महाविद्याओं से हाँ, और शिव जी को शीश पे धारण किए हुए हैं जी जी जी। जैसे शिव जी ने विष का पान किया चंद्रमा लिया जी जी, ऐसे ही माता ने जब चक्र रोका तो 10 महाविद्या लिया। बिल्कुल। और ये हमारे शिव जी, ये ललतेश्वर महादेव के नाम से जाने गए जी, ललतेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। इनका लिंग बड़ा था छूने के कारण नीचे गया जब नंदी का जन्म हुआ जी जी। जब इनका महत्व बढ़ा तब इनका पद खंड नीचे को घटा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद पंडित जी, आपने संपूर्ण हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। हमारा सत्य सनातन धर्म ऐसे ही आप जैसे विद्वानों से आगे बढ़े यही कामना करते हैं। ये जो है महाराज गणपति है, गणपति शिव जी के पुत्र। बिल्कुल गणपति जी। आइए दोस्तों दिखाते हैं, आगे पंडित जी पूरी जानकारी दे रहे हैं।
बहुत ही आनंददायक ये रहने वाला है। ये अवतार भैया वाकी जी, ये कल्कि अवतार, कल्कि अवतार राम हुआ, कपिल हुआ, कृष्ण हुआ, तीन अवतार विष्णु ने लिए। और जो कलयुग में अवतार होना है वो ये कल्कि भगवान का अवतार होना है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी आरती देखिए, जैसे हनुमान जी ने राम शब्द जपा छोटे से, ऐसे भगवान ने पहले ही चारों, जब हमने कहा कि अवध्या से पहले नैमिषारण्य क्यों जन्मे, तो जन्मे इसलिए क्योंकि प्राकट्य होकर के मनु जी को दर्शन दिया, और दर्शन दिया तब भगवान ने कहा कि, मनु जी ने कहा कि आप हमें इस रूप में प्राप्त होंगे, राम के रूप और कपिल के रूप, उन्हीं को उन्होंने महत्वाकांक्षा मानते हुए अपने अंदर धारण किया। बहुत बढ़िया। जय हो। ये नैमिषारण्य भगवान हैं, और आपने टीवी पर देखा, सीरियल पर देखा और सुना है, आज तलक हम आपको आंखों से दिखाएंगे। फिलहाल मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ, अब थोड़ा तुमको हमारी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन पद्धति में जब है तो वो हिसाब से थोड़ा एका समेत क्या वैसी छोड़ो। आंखों से देखो, डंडी रूप का आपने सत्यनारायण में कथा में सुना है कि भगवान ने डंडी रूप लिया है, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। सनक सनातन नंदन सुना दे बहला अंदर, सनक सनातन नंदन विराजमान अष्टम वैकुंठ में नारद जी को भगवान विष्णु ने कथा सुनाई थी, वो अष्टम वैकुंठ कोई और नहीं था, बता अष्टम वैकुंठ यही शिव जी के पुत्र अब है, तुमका गणपति हुआ देखा साक्षात आंखों से देखो, हमारी मत मानना। नहीं नहीं साक्षात है, सत्य सनातन धर्म है ही साक्षात, नहीं लोग जैसे संशय मानते हैं ना, 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 उनके लिए हम बोलते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिव जी के पुत्र हैं, प्रथम पूजनीय, बिल्कुल वरदान हासिल है, ये जग जानता है, बहरा अंधा सब जानते, बिल्कुल बिल्कुल। राम जी के भक्त है, शंकर जी के अवतार है हनुमान जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो स्वयं महाबली बोले जाते हैं और महादेव बोले जाते हैं स्वयं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, ये जो है आपकी इस ये अखंड यज्ञ है, और यहाँ है अनेकों, अब आपके लिए ये अखंड यज्ञ जो देखते हैं, ये 2400 घंटे अखंड रहता है, इसको 9 साल हमने कंटिन्यू स्वयं जलाया है, बहुत बढ़िया। और बाकी इन्होंने हमें चार्ज, अंकित जी ने हमें चार्ज सौंपा था 2015 में, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन लगा उसी दिन से हमने इसे, हाँ लॉकडाउन में मैं आया था यहाँ, लॉकडाउन को आए 21 मार्च को हमने इसका इस्तीफा दिया, तब से हमने अपनी शिव जी के पास ड्यूटी लगाई। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, कोटि कोटि आभार, नागमन हो, धन्यवाद।